इंग्लिश अच्छा बैंक के लौड़े क्या इंग्लिश 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 लगा रखा है बे। चार साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहां काम करते थे। खुद तो कभी स्कूल गए नहीं इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया। अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्सअप डो ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या वगरा तेरा लंडा आजकल है ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के टेंथ तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे माँ बाप टीचर लोग। गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी भग बेंचो तुमको क्या करना है। इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह मैं IIT मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shoved down my throat by my teachers, while my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. और इंग्लिश सुनेगा तो मदरचोद तो सुन। टेंथ के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए कोचिंग में निकाल दिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं अपने पर्सनालिटी पे काम करूं। बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में थियोरी प्रैक्टिकल वाइवा लैब वर्क एक्सटर्नल इंटरनल मेजर्स माइनर्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट थीसिस गांड मार के रख ली हमारी। महीनों तक नहाना भूल जाते हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में 1 बार कल्चरल फेस्टिवल आता है 1 बार उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। अरे बिना इंग्लिश बोले बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे। पर टाइम कहां है कुछ सीखने के लिए। लगे पड़े कोडिंग सीखने 3-3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए पर्सनैलिटी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। इट इज नॉट दैट वी कैनॉट स्पीक इंग्लिश सर वी आर जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ आर डिक्शन एंड आर प्रोनाउंसिएशन एंड वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स। इफ द करिकुलम वाज़ अ लिटिल बिट डिवर्स इफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आर कंट्री फोकस्ड ऑन आर ऑलराउंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग लाइक अ गॉडडैम फैक्ट्री दैट इज जस्ट मास प्रोड्यूसिंग रोबोट्स बाय किलिंग देयर ड्रीम्स एंड हैंडिंग आउट डिग्रीज आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर इन दिस पॉइंटलेस HR इंटरव्यू द लाइक्स ऑफ विच एग्जिस्ट ओनली इन आर कंट्री। येलो सर बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं। डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी अ स्लेव ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन।